की बता दीजिए। मैम बहुत फ्रेंडली है और ऐसा कुछ नहीं है, शी इज़ वेरी गुड एट इट। मतलब उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी रह चुका है ना ऑर्नरशिप में, तो वो बहुत अच्छे से हमें हैंडल करते हैं, लाइक बच्चों को जैसे करना चाहिए, शी इज़ वेरी गुड एट इट। और खाना भी बहुत अच्छा बनता है। वाईफाई आपके पीडी में चलता है या नहीं? ऑब्वियसली 5G तभी तो जिंदा है। तो मुझे रेंट के बारे में बताइए कि अगर कोई सिंगल लेना चाहता है विद फूड तो कितने का पड़ेगा, शेयरिंग में लेना चाहता है विद फूड तो कितने में पड़ेगा? गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पीजी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिजली का बिल आप लोग अलग से पे करते हैं? जी। क्या चूज़ करते हैं? जैसे पराठा सब्जी भी मिलता है और जैसे ब्रेकफास्ट में डिशेस भी मिलती हैं, तो होमली फूड है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। लेकिन अब हम नोएडा के सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे क्योंकि स्टूडेंट हमें कहते हैं हम नोएडा जाने वाले हैं, दृष्टि वहाँ शिफ्ट हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे कि भैया हमें पीजी नहीं मिल रहा है, गर्ल्स पीजी या बॉयज़ पीजी। तो आज हम एक पीजी में आए हैं, इसका नाम है आगरा, और यहाँ की जो ओनर है उनसे ही बात करेंगे। और इस पीजी में कुछ स्टूडेंट भी रहती हैं जो यहाँ पर स्टडी करती हैं, इनसे ही जानते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं और कैसा ये पीजी। स्टूडेंट से ही जान लेते हैं, उसके बाद जो ओनर हैं उनसे बात करेंगे। रूम आप देखेंगे कुछ इस तरीके का है, इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बना रखा है। और यहाँ पे प्रॉपर रूम है, जैसे मुखर्जी नगर में प्लाई वाला होता था उस तरीके का कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? निशा चौहान, आई एम फ्रॉम गाज़ियाबाद। ये बताइए इस पीजी में आप कब से रह रहे हैं? 2 years। पीजी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं और रेंट कितना पे करते हैं आप? हम लोग अभी डबल में रह रहे हैं विद 9K, जिसमें हम लोग को फूड प्रोवाइडेड है। और फैसिलिटीज़ आपकी AC रूम है हमारा, और लॉन्ड्री के लिए ऊपर टॉप फ्लोर पे हमारा क्लीनिंग एरिया है, वहीं पे हम लोग को फूडिंग प्रोवाइड होती है। फूडिंग है 2 times 3 times हम ऑप्शन में रखते हैं, फूड भी अच्छा है। आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से कंप्लीट किया है? ग्रेजुएशन तो मैंने ग्रेटर नोएडा से कंप्लीट किया। आप दोनों लोग अलग अलग स्टेट से हैं, एक ही से हैं या फ्रेंड हैं? टच वुड वो हम सेम ही स्टेट से हैं। आपस में लड़ाई वगैरह तो नहीं होती पीटी में? नहीं नहीं नहीं, हमारी मैम जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। हाँ, मैम की वजह से यहाँ पे भी और इक्विपमेंट आने वाले हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सच्चाई क्या है, मैम की बता दीजिए। मैम बहुत फ्रेंडली है और ऐसा कुछ नहीं है, शी इज़ वेरी गुड एट इट। मतलब उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी रह चुका है ना ऑर्नरशिप में, तो वो बहुत अच्छे से हमें हैंडल करते हैं, लाइक बच्चों को जैसे करना चाहिए, शी इज़ वेरी गुड एट इट। और खाना भी बहुत अच्छा बनता है। वाईफाई आपके पीजी में चलता है या नहीं? ऑब्वियसली 5G तभी तो जिंदा है। आज क्या बनाता लंच में आपके पीजी में? आज लंच में एक्चुअली हमें ब्रेकफास्ट ऑप्ट किया हुआ है मैंने, तो मैंने तो खाया था सैंडविच। तो यहाँ पे जो फूड होता है उसकी क्वालिटी कैसी है और डेली चेंज होता है एक जैसे ही होता है? नहीं, आपको डेली मतलब ऑप्शंस मिलेंगे आपको, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। जैसे पराठा सब्जी भी मिलता है और जैसे ब्रेकफास्ट में डिशेस भी मिलती हैं, तो होमली फूड है। okay. इसलिए मैं 2 साल से हूँ यहीं पर। हाँ, ये खुद ही बनाती हूँ जी। तो मैम से भी मैं अभी बात करूँगा, पहले दोनों स्टूडेंट से बात कर लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल थे, कमेंट थे। सबसे पहले मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है और आप कहाँ के? मैं सोनम नाम है मेरा और मैं गाज़ियाबाद से हूँ। ये बताइए इस पीजी में आप दोनों लोग कब से हैं? 1 year। एक साल से आएंगे? ये बताइए एक साल में आपका काफ़ी यहाँ का अनुभव इकट्ठा हो गया होगा, पीजी के बारे में बताइए कैसा है? बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। तो आज क्या बना था और मॉर्निंग में क्या मिला था आपको ब्रेकफास्ट? सेम, हम दोनों डबल शेयरिंग में रह रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट जैसे उसने बताया कि हमने सैंडविच खाया था, आज मॉर्निंग में सैंडविच था। गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पीजी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिजली का बिल आप लोग अलग से पे करते हैं? जी। ओके मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बहुत तारीफ कर रहे हैं सभी स्टूडेंट। रूम दोस्तों आप देखेंगे तो इन्होंने ये सब आप लोगों ने लगाया है? किसने लगाया? नहीं, हमने ही लगाया है। रूम भी बन गया है। आप देखेंगे तो मुझे अब तक मैं बहुत सारे रूम्स में गया हूँ। हाँ, ये मैप वगैरह UPSC एस्पिरेंट के रूम में लगे रहते हैं, लेकिन इनके में मुझे थोड़ा सा कम देखे, लेकिन फिर भी है। आपके पास में अभी कितनी गर्ल्स रहती हैं? यही हैं और अभी कुछ आने वाली हैं? मेरे पास टोटल स्ट्रेंथ 35 की है गर्ल्स की ओनली, तो अभी है मेरे पास मतलब 20-25 के अराउंड हैं गर्ल्स। अब जो आने वाली हैं दृष्टि की स्टूडेंट, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मुझे रेंट के बारे में बताइए कि अगर कोई सिंगल लेना चाहता है विद फूड तो कितने का पड़ेगा, शेयरिंग में लेना चाहता है विद फूड तो कितने में पड़ेगा? हम लोगों के पास 3 तरह के वेरिएंट हैं रूम्स
के अवेलेबल, एक है सिंगल जिस रूम 12 के है जिसमें 3 टाइम मील इंक्लूडेड है, फुली फर्निश्ड आपका रूम होगा विद अटैच वॉशरूम, इसमें वाईफाई इंक्लूडिंग होगा, लॉन्ड्री की फैसिलिटी होगी, जो वॉशिंग मशीन होगी, और प्लस यहाँ का जो फूड है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं यहाँ खुद कुक करती हूँ, यहाँ की किचन में खुद ही ऑपरेट करती हूँ, हेल्पर्स हैं, बट जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका जो खाना होगा वो एकदम होमली बनाने के लिए मैं उसमें अपना टेस्ट करती हूँ। अपना नंबर बता दीजिए जिस पे फ्रेंड कॉल कर पाए। 9811533312। एक बार और रिपीट कर दीजिए, वैसे मैंने दिखा दिया है फिर भी आप बताइए। 9811533312। सृष्टि के क्लासरूम से लगभग कितनी मिनट की ये दूरी पे है? 2 मेट्रो स्टेशन 3 मेट्रो, ये 3rd मेट्रो स्टेशन है, 15, 16 and 18। दोस्तों आपको लगभग 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं क्योंकि मैं भी आया हूँ। मैम का गर्ल्स पीजी भी है और बॉयज़ का भी है और एक ये नया बिल्डिंग भी लेने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, मेरे सामने ही एक न्यू बिल्डिंग है जो स्पेशली गर्ल्स के लिए ही हम लोग ले रहे हैं, उसमें ओनली गर्ल्स ही रहेंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। स्पेशली ये वीडियो दृष्टि के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो हमें डेली मेल करते हैं, कमेंट करते हैं कि भैया दृष्टि के पास हमें कोई पीजी बता दीजिए क्योंकि हम नए हैं, हमें नहीं मिल रहा है, हमने एडमिशन ले लिया है। तो आप आ सकते हैं, पीजी का नाम आगरा है मैम, जो नोएडा सेक्टर 18 है, वहाँ से आप उतरेंगे तो बिल्कुल 2-3 मिनट का रास्ता है। 2 मिनट आपका वॉच देख कर है, 2 मिनट वॉकिंग है। तो आप आ सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ और पूछना भूल रहे हैं बताना, तो आप जो मैम का नंबर है उस पर कॉल कर लीजिए, मैम खुद बात कर लेंगी। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।